वेलकम टू सेल्फ डिफेंस। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे मिनी AK-47 असॉल्ट राइफल्स के बारे में, जिसे पहले टार 3 के नाम से जानते थे हम, यानी त्रिची असॉल्ट राइफल 3, पर अब इसका नया नाम आ गया है ट्राइका, यानी त्रिची कार्बाइन। इसे बनाया है OFT ने, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री त्रिची ने। लेकिन हम बात शुरू करें पहले ट्राइका की, उससे पहले हम बात कर लेते हैं टार के बारे में, यानी त्रिची असॉल्ट राइफल के बारे में। इसके बनने की शुरुआत हुई थी 2017 में और ये बेसिकली AK-47 का इंडियन वर्जन है। उस समय हमारा अपना इंसास राइफल तकरीबन फेल हो गया था और आर्मी और CRPF ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। तब जाकर MOD को, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, 5 लाख बुल्गारियन AR-M1 असॉल्ट राइफल्स को इम्पोर्ट करना पड़ा था और ये बेसिकली कलाश्निकोव राइफल्स के लाइसेंस वर्जन है। तब जाकर OFT ने AK-47 की तर्ज पर इस TAR को डेवलप किया, यानी त्रिची असॉल्ट राइफल को, और अब ये एक टेस्टेड एंड ट्रस्टेड असॉल्ट राइफल है और तकरीबन 25,000 से 30,000 राइफल्स ऐसे बनाए गए हैं और इन्हें आर्मी और CRPF को दिया गया है। तो इसी की तर्ज पर अब एक मिनी AK-47 बनाया गया है, जिसका नाम पहले टार 3 था और अब हो गया है ट्राइका। ये सेम कार्ट्रिज को यूज करता है, यानी 7.62x39mm की कार्ट्रिज को यूज करता है, जिसे हम AK-47 में भी यूज करते हैं। इसी तरीके से ये ट्राइका, यानी मिनी AK-47, सेम 30 राउंड्स वाली कर्व्ड बॉक्स मैगजीन को यूज करता है, जो AK-47 में भी यूज होता है। और बात करें इसके बैरल की, तो इसका बैरल अब छोटा कर दिया गया है और ये अब 8.3 इंचेस का रह गया है, पर जो बड़े वाला AK-47 है, यानी टार, उसमें जो बैरल की लेंथ है वो तकरीबन 16.3 इंचेस की है, यानी 8 इंच कम कर दिया गया है। इस वजह से ये छोटा हो गया है और कॉम्पैक्ट हो गया है। इसके अलावा इसका वजन भी 1 किलो कम हो गया है, तो इसे कैरी करना बहुत ईजी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो हम देखते हैं कि इन दोनों राइफल्स में क्या डिफरेंस है, यानी टार 3 में, यानी ट्राइका में और टार में। वजन की बात करें तो छोटे वाले का 2.7 kg है और बड़े वाले का 3.8 kg। बैरल 8.3 इंचेस का है और बड़े वाले का 16.3 इंचेस का है। और बात करें लेंथ की, तो छोटे वाले की 19.2 इंचेस की है लेंथ और बड़े वाले की 25.4 इंचेस की है स्टॉक फोल्डेड में। बात करें अगर मैगजीन की, तो दोनों सेम 30 राउंड्स वाली कर्व्ड बॉक्स मैगजीन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा रेट ऑफ फायर की बात करें तो ट्राइका 700 राउंड्स फायर कर सकता है पर मिनट और टार 650 राउंड्स फायर करता है पर मिनट। और बात करें रेंज की, तो चूंकि ट्राइका की जो बैरल है वो छोटा है, इस वजह से इसकी रेंज 150 मीटर्स की है और बड़े वाले की 350 मीटर्स की है। तो अब ये बात समझ में आती है कि डेफिनेटली हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनकी ये डिमांड रही होगी कि एक कॉम्पैक्ट असॉल्ट राइफल उन्हें चाहिए, जिसे वो अपने जैकेट में या फिर कोट के अंदर छिपा कर रख सकते हैं और इस तरीके से एक सरप्राइज अटैक भी किया जा सकता है। खास करके इसे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड या फिर जो हमारे VIPs के जो कमांडोज होते हैं सिक्योरिटी में, उन्हें ये दिया जा सकता है और वो इसे छुपा कर रख सकते हैं अपने जैकेट के अंदर। इस राइफल में अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी है, यानी इससे हम फायर कर सकते हैं ग्रेनेड्स को। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं दोस्तों के OFT ने काफ़ी हद तक असॉल्ट राइफल्स की समस्या को ख़त्म किया। बात करें अगर ट्राइका की, तो कुछ महीने पहले तक ऐसे 12 मिनी AK-47 बनाए गए थे और उनमें से 3 को एज ए प्रोटोटाइप यूज़ किया गया था और तकरीबन हर राइफल से 2,000 राउंड्स फायर किए गए थे। लेकिन अब लगता है कि कई हज़ार राउंड्स फायर करने के बाद अब इस राइफल की जो प्रोडक्शन है
वो शुरू हो चुकी है और इसी वजह से इसका नाम दिया गया है ट्राइका। तो ये बात थी दोस्तों आज इस वीडियो में हमारे इस मिनी AK-47 के बारे में। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।